ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि अगर आप होली दीपावली की रात्रि शुक्र दंत को सिद्ध करते हैं तो उसके लाभ क्या होने वाले हैं और क्या उसकी विधि होने वाली है, इन सभी के बारे में चर्चा की जाएगी। आप जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह असली शुक्र के दंत हैं, यानी असली सुअर के दांत हैं। जिस प्रकार से यह आप देख रहे हैं बड़े वाले, यह जंगली सुअर के दांत होते हैं, जो आगे की ओर दो दांत मुड़े हुए होते हैं, वह यह दांत है। यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हैं असली जंगली सुअर के दांत, क्योंकि बाज़ार में बहुत से नकली भी बेच रहे हैं और नकली का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होता, यह आप सभी व्यक्ति जानते हैं। एक प्लास्टिक को धारण करना और एक असली शुक्र दंत को धारण करने में फ़र्क होता है, और वही फ़र्क हम आपको समझाने जा रहे हैं कि असली शुक्र दंत क्या कार्य आपके लिए कर सकता है और किस प्रकार से आपने उसकी सिद्धि करनी है। होली की रात्रि अगर आप हमारे द्वारा इन दांत की सिद्धि करवाना चाहते हैं अपने नाम से, अपने गोत्र से, तो हमारे द्वारा भी आप इसकी सिद्धि करवा सकते हैं, ताकि असली शुक्र दंत आपको समय पर, यानी जो होली और दीपावली का समय होता है, ये अहम समय होता है किसी भी सामान को सिद्ध करने के लिए। इस समय पर अगर आप हमारे द्वारा सिद्ध करके प्राप्त लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी ले सकते हैं। अगर आप शुक्र दंत हमसे सिर्फ लेना चाहते हैं ताकि उसकी सिद्धि आप स्वयं कर सकें, तो वह भी कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ लाभ के बारे में जानते हैं। मित्रों, जो रोज़ की दिनचर्या रहती है, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा कि इसको पहनिए आप ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। मित्रों, जो रोज़ की दिनचर्या मनुष्य की रहती है उसी के बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। होली का समय आ रहा है, सभी व्यक्ति होली की तैयारियों में व्यस्त हैं, और उसी तैयारियों में एक तैयारी यह हमारे द्वारा भी की जाती है कि आपके लिए कोई भी सामग्री को अगर सिद्ध करना हो तो वो होली की रात्रि सिद्ध कर सकें। उसके लिए आप मात्र 501 रुपये का शुल्क देकर बुकिंग करवा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि होली की रात्रि हम आपके लिए सिद्ध करके अगले दिन आप तक सामान पहुंचाया जा सके। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सभी व्यक्तियों से अनुरोध है, जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारियां आपको समय समय पर हमारे माध्यम से मिल सके। और एक और बात आपसे साझा करना चाहूँगा, हमारे द्वारा जब भी शुक्रदंत की वीडियो दिखाई गई है आपको, तो बहुत से लोगों के यह प्रश्न रहे हैं कि क्या गर्भवती महिलाएं इसको धारण कर सकती हैं। तो मित्रों, बिल्कुल गर्भवती महिलाएँ भी इसको धारण कर सकती हैं, और उनके लिए तो और उत्तम कार्य यह करता है, उनके गर्भ की रक्षा करता है और कोई भी ऐसी चीज़ को उनके नज़दीक नहीं आने देता। और दूसरे ही सवाल जो उनके द्वारा किए गए हैं कि क्या इसको पहनकर हम मंदिर में जा सकते हैं या अन्य कोई पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको धारण करके अपने मंदिर में, अपने कार्यस्थल में, अपने पूजा पाठ के कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई अलग होने वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को और जानते हैं कि क्या इसकी प्रक्रिया है और क्या इसके फ़ायदे हैं। तो मित्रों, शुक्र दंत का नॉर्मल अगर एक इंसान शुक्र दंत को धारण करता है नज़र दोष से बचने के लिए, वशीकरण, काला जादू, कार्य की सफलता, इन सब को अभी साइड में रखते हैं। अगर एक नॉर्मल इंसान की बात करें, एक साधारण मनुष्य अगर शुक्र दंत को धारण करता है, अपने बच्चों को धारण करवाता है ताकि नज़र दोष से बचा रहे, तो वह भी शक्तिशाली प्रभाव दिखाता है कि नज़र तो बेशक से नहीं लगती, लेकिन जो त्योहारों के समय में हम खुशबूदार चीज़ें अपने बदन पे लगाते हैं और किसी चौराहे को पार करते हैं या किसी ऐसे स्थान को पार करते हैं जहां आसपास शमशान की भूमि हो या किया कराया हो, तो वहां से कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे साथ चल पड़ती हैं। उस खुशबूदार चीज़ों को देखकर वह हमारे साथ हो लेती हैं और धीरे धीरे हमें जो नुकसान पहुँचाना शुरू करती हैं, जो धीरे धीरे हमें तबीयत से नुकसान होता है, पैसों से नुकसान होता है, कारोबार का नुकसान होता है, वह अलग है। तो उस स्थिति में भी शुक्र दंत अपना भरपूर कार्य करता है।
किसी भी ऐसी वैसी चीज़ को आपके पास फटकने नहीं देता। कोई भी ऐसी वैसी शक्ति, बुरी आत्मा, बुरी शक्ति या बुरी नज़र आपके ऊपर नहीं टिक सकती जब तक आपने शुक्रदंत को धारण किया हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति व्यापार से संबंधित है, अच्छा व्यापार उसका चल रहा है और उसके व्यापार में एकदम गिरावट आ जाती है, किसी की नज़र लग जाती है, उसके लिए भी शुक्रदंत ऐसे ही कार्य करता है जैसे अमृत के समान हो। और अगर जो व्यक्ति अपने कार्य में उठ नहीं पा रहा, उसकी बोलबानी में इतना साहस नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति को वह अपने वश में कर सके, सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह संतुष्ट कर सके, वह चीज़ अगर उसके अंदर नहीं है तो शुक्रदंत धारण करने से वह चीज़ भी आपके अंदर जागृत होने लगती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की पावर आने लगती है, आपके अंदर दूसरों को वशीकरण करने की शक्ति एकत्रित होती है, जो कि जिनका कार्य जगह जगह जाकर लोगों से मिलना होता है। बहुत से ऐसे कार्य हैं मित्रों कि जगह जगह जाकर लोगों को अपना कार्य समझाना होता है, अपने साथ उनको जोड़ना होता है या कोई अन्य कार्य होता है, तो उसके लिए शुक्रदंत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। और अगर बात करें किए कराए की, तो आजकल किया कराया इतना हद तक आगे बढ़ चुका है कि जो भी व्यक्ति किसी से दुश्मनी निकालना चाहता है तो वह मुंह की दुश्मनी नहीं निकालता मित्रों, वह ऐसे अभिष्ट कार्य करके किसी न किसी कार्य को बिगाड़ देता है या दूसरे व्यक्ति को बीमारियां ही बीमारियां दे देता है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है मित्रों। अगर आप शुक्रदंत को धारण करते हैं तो कोई भी ऐसा किया कराया या कोई भी ऐसी बुरी शक्ति आपके पास नहीं फटक सकती। और यह जो बड़े साइज़ का शुक्रदंत आप देख रहे हैं, जो जंगली सुअर के दांत आगे की ओर मुड़े होते हैं दो, यह उन दांतों को जोड़कर यह शुक्रदंत तैयार किया गया है बड़ा। जो यह दांत आप देख रहे हैं, यह ज़्यादातर दांत तांत्रिकों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। जब वह किसी के ऊपर करते हैं या किसी का बचाव करते हैं तो कोई शक्ति, कोई ऐसी चीज़ उनके ऊपर ना हावी हो सके, उसके लिए ऐसे शुक्रदंत को धारण किया जाता है, ताकि अगर वह दूसरों का समाधान कर रहे हैं तो वह चीज़ उनके ऊपर हावी ना हो सके। और अगर आप बात करें इसकी सिद्धि की, अगर इसकी आप सिद्धि करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना पूजा किए, बिना मंत्र जाप किए, बिना जागृत किए अगर आप उसको धारण करते हैं तो वह इतना लाभ आपको नहीं पहुंचा सकती। जब तक उसके अंदर जान नहीं फूकी जाएगी, जब तक उसको मंत्र जाप करके जागृत नहीं किया जाएगा, तब तक आप उसको उपयोग में नहीं ला सकते, तब तक आप उससे उपेक्षा नहीं रख सकते कि वह आपका कार्य उसी भांति करेगा जिस भांति हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि हर तरीके का शुक्रदंत हमारे पास उपलब्ध होता है। छोटा शुक्रदंत बच्चों के लिए, जो नवजात बच्चे हैं या फिर थोड़े समझदार बच्चे हैं उनके लिए, थोड़े बुज़ुर्गों के लिए, और या कोई ऐसा कार्य करता है जो किसी का ऊपर किया कराया का झाड़ा लगाता है, तो उनके लिए भी शुक्रदंत अलग से तैयार किए जाते हैं। अब अगर इसकी सिद्धि के बारे में बात करें मित्रों, तो होली की रात्रि दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख होगा, लाल या काला आसन आपने लेना है, एक तेल का दीपक अपने समक्ष जगाना है और रात्रि में इस कार्य को करना है। अगर होली दीपावली की रात्रि आप इस कार्य को कर रहे हैं तो सिर्फ 21 माला आपके लिए बहुत है। माला संस्कारित काले हकीक की होनी चाहिए या फिर संस्कारित रुद्राक्ष की होनी चाहिए। आपने सबसे पहले शुक्रदंत को स्वच्छ जल में धो लेना है, उसके बाद उसको तिलक करके, उसको मोली करके अपने उल्टे हाथ में पकड़ लेना है, अपने उल्टे हाथ में बिल्कुल पकड़ लेना है, हाथ के अंदर आपके वो दांत आ जाए, और सीधे हाथ से आपने मंत्र जाप प्रारंभ करना है। पहला जो माला रहेगा आपका, वह गणपति जी का जाप करेंगे, या आपका इष्ट है कोई, इष्ट का जाप आप करते हैं, अपने गुरु का जाप आप करते हैं तो उनका जाप आप करेंगे। उसके उपरांत हमारे द्वारा बताए जाने वाले मंत्र का 21 माला जाप करेंगे। और जब आपका मंत्र जाप चल रहा है तब ध्यान रखें कि जो तेल का दीपक आपने जगाया है, वो तेल का तेल भी हो सकता है, वो सरसों का तेल भी हो सकता है, और उसमें जो बाती लगेगी वो लाल मोली की लगेगी,
यह जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है वह दीपक आपके पूर्ण मंत्र जाप तक चलता रहना चाहिए मित्रों। ऐसा ना हो कि छोटा सा दीपक आप जगाएं और उसमें तेल भरते रहें या फिर उसमें आप मंत्र जाप में इतना विघ्न हो जाएं कि वह अस्त हो जाए दीपक, तो ऐसा आपने नहीं करना मित्रों। दीपक का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा रखना है ताकि आपके मंत्र जाप तक वह दीपक प्रज्वलित रहे। तो चलिए अब उस मंत्र को जापते हैं जिस मंत्र द्वारा आपने शुक्रदंत की सिद्धि करनी है। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वारहदंताय भैरवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वारहदंताय भैरवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वारहदंताय भैरवाय नमः। इस प्रकार से आपने मंत्र जाप करना है। अगर अपने इष्ट की या भगवान भैरव की मूर्ति आप या फोटो या यंत्र अपने समक्ष स्थापित करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, अन्यथा इस प्रकार से भी आप मंत्र जाप इसका कर सकते हैं। और 21 माला पूर्ण हो जाने के बाद अब आपने इस शुक्रदंत को उसी स्थान पर रख देना है जब तक आपका दीपक अस्त नहीं होता, और दीपक जब आपका अस्त हो जाए तब उस शुक्रदंत को किसी काले धागे में या अभिमंत्रित धागा हमारे द्वारा ले सकते हैं, वो बिल्कुल निशुल्क दिया जाता है, किसी काले धागे में या काले हकीक की माला में जड़वा सकते हैं। अगर आपने माला में जड़वाना है तो पहले उस दंत को चांदी और माला लगवा के तैयार कर ले, उसके बाद उसकी सिद्धि करें। अगर आपने माला में नहीं पहनना, किसी धागे में पहनना है, तो चांदी लगाया हुआ शुक्रदंत सिद्ध करके बाद में भी आप धागा उसमें डाल सकते हैं। तो मित्रों इसको उसी समय आप धारण भी कर सकते हैं या अगले दिन सुबह स्नान आदि से निर्वृत होकर भी इसको धारण किया जा सकता है। जब आपने धारण करेंगे तब आपने पुनः 3 बार इसी मंत्र का जाप करना है और अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है कि आपने जिस कार्य हेतु इस शुक्रदंत को धारण किया है वह कार्य सफल करवाएं। सिर्फ इतना सा कार्य आपने करना है और आप खुद देखेंगे कि शुक्रदंत कितनी तीव्रता से आपके उस कार्य को सफल कर रहा है। रोजाना आपने इसको धारण करे रहना है। ऐसा नहीं है कि उतार के रख दिया या जब मन किया तब पहन लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना मित्रों। आपने इसको धारण किए रखना है ताकि कोई भी बुरी चीज़ समय देखकर नहीं आती, कोई भी बुरी चीज़ आपको बता के नहीं आती, वह एकदम आपके ऊपर आती है या एकदम आपके ऊपर अटैक होता है तो उससे आपको सुरक्षा मिल सके। जिस प्रकार से हमने अन्य वीडियो में भी दिखाया था कि किस प्रकार से उनका पहना हुआ दांत एकदम टूट गया और कैसे उनको आभास हुआ था कि कुछ बुरी चीज़ उनके पास आई है, यह सब हमने आपके साथ एक वीडियो में साझा किया था। अगर आप यह दंत हमारे द्वारा लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.timeshopee.com पर जाकर भी इसको खरीद सकते हैं। वहाँ पर भी यही दांत एकदम ओरिजिनल आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी सवाल है, कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।